देश में पुराने वाहनों के बाजार में दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरे हैं। प्रमुख ऑनलाइन ऑटोमोबाइल मार्केटप्लेस ड्रूम ने आज 2017 के लिए अपनी सालाना ऑटोमोबाइल रिसर्च रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये दावा किया गया है कि चार सबसे बड़े बाजारों के तौर पर दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु उभर कर सामने आए। इस पर बिकने वाली पुरानी कारों की औसत उम्र 71 महीने रही है। लग्जरी और सुपर कार में औसत उम्र 64 माह रही है। मोटरसाइकिल का औसत बिक्री मूल्य 42,000 रुपए, स्कूटर के लिए 30,000 रुपए, कारों के लिए 5.5 लाख रुपए रहा है। ड्रूम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप अग्रवाल ने ये रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कार्स और मोटरसाइकिल्स की ऑनलाइन बिक्री की बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है। ये एक संकेत है कि लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। वहीं भारतीय कंज्यूमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तेजी से अपना रहा है। $180 अरब के वार्षिक कारोबार के साथ भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। भारत में बनी कारें और मोटरसाइकिलें उपभोक्ताओं की पहली पसंद है। मैनुअल ट्रांसमिशन अब भी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए भारतीय खरीदारों के लिए पहली प्राथमिकता है। मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, गाजियाबाद तथा गुड़गांव 4 पहिया वाहनों के लिए उभरते बाजार हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।